फाइनली कसौटी के सेट पर पहुंच चुके हैं करण पटेल यानी हम सभी के नए मिस्टर बजाज और साथ में निवि यानी पूजा बनर्जी। जी हाँ, यहाँ पर दोनों ही एक्टर पहुंच चुके हैं। दोनों एक्टर का आमना सामना भी हुआ है। पहले बताते हैं करण पटेल के बारे में। आज सुबह ही पीआर की तरफ से हमें करण पटेल का लुक का जो मिस्टर बजाज का लुक है वो फोटोग्राफ आया है, हम आपको दिखाते हैं। रेड कलर में आपको दिख रहे हैं नए मिस्टर बजाज, जिनका लुक काफ़ी डैशिंग लग रहा है। करण पटेल सेट पर पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शूट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज बहुत सारे सीन जो हम क्लोज करते हैं वो हो नहीं पा रहा है। साथ ही करण ने कहा कि मेरा ये लुक सभी को बहुत पसंद आ रहा है और सबसे बड़ी बात उनकी पत्नी अंकिता को भी ये लुक बहुत पसंद आया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अंकिता ने उनके इस लुक की काफ़ी तारीफ की। अगर आपको याद होगा, अगर हम पहले मिस्टर बजाज की बात करें रौनित की, तो रौनित का तो अपना एक अलग ही ऑरा है, वो एक जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया उसका क्या कहना। लेकिन मिस्टर बजाज के किरदार में करण सिंह ग्रोवर जब आए थे तो उनकी हेयर स्टाइल जो दी गई थी ब्लैक और वाइट शेडो वाला, वो बहुत ही खूबसूरत लगा था। और शायद वही लुक जल्द ही करण पटेल को भी दिया जाएगा। अभी ये फर्स्ट लुक है जिसमें वो रेड कलर के जैकेट में नज़र आ रहे हैं और 13 को जो आप एपिसोड देखेंगे नया कसौटी, उसमें आपको करण नज़र आएंगे। खैर, ये तो आप सभी जानते हैं कि करण यानी मिस्टर बजाज अपनी प्रेरणा के लगातार पीछे खड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि प्रेरणा इंडिया वापस सिर्फ और सिर्फ अनुराग से बदला लेने आई है, तो ये सीन आगे भी शूट होगा। अब बात करते हैं हमारी निवि की। निवि भी सेट पर पहुंच चुकी हैं और आज पहले दिन निवि को सेट पर छोड़ने पहुंचे थे उनके पति। जी हाँ, एक लीडिंग न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए निवि ने बताया कि चूंकि आज पहला दिन था उनका सेट पे और बहुत सारा सामान ले जाना था, खाने पीने का सामान और इवन बेडशीट और पिलो कवर भी ले जाना था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बात बताई कि पहले जब हम खाना खाते थे तो हमारे टेबल कोई और साफ़ करता था, बर्तन भी कोई और धुल देता था, लेकिन अभी यहाँ पर निवि अपने साथ बर्तन धुलने का सामान भी लेकर जा रही हैं। उन्होंने कहा खुद निकालना है, खुद टेबल साफ़ करनी है, खुद खाना है, उसके बाद खुद ही प्लेट साफ़ करके खुद ही पैक करना है। क्योंकि कोरोना है इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग रूम के अंदर हों ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक और बात बड़ी बात कही कि उनको तैयार करने के लिए उनका गेटअप, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, बहुत खूबसूरत लगती है हमारी पूजा। उनके गेटअप को मतलब मेकअप, हेयर, ड्रेस वगैरह सब कुछ तैयार करने के लिए कम से कम 4 से 5 लोग चाहिए। लेकिन पूजा ने कहा कि इस बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन यही दिया गया है कि जितना हो सके आप सेट पर खुद तैयार होइए, अपना मेकअप को जितना हो सके आप खुद कीजिए, क्योंकि जितने कम लोग आपके पास आएंगे, जितना कम हाथ आपके चेहरे पर और बॉडी पर लगेगा उतना बेहतर है। ये सब प्रिकॉशन के लिए किया जा रहा है ताकि कोविड की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर, निवि यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं निवि से जुड़ी, वो ये है कि जल्द ही निवि प्रेरणा का साथ देते हुए नजर आएगी। उसे पता है कि कमौलिका उसकी ज़िंदगी हराम कर चुकी है, बर्बाद कर चुकी है। सबसे बड़ी बात बासुवाड़ी है, बासु कंपनी में निवि की जो जगह थी वो जगह हटाकर कमौलिका ने अपने भाई को दे दी है और ये बात निवि बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अपने भाई को ऑफिस का वो जगह दे दी, वो केबिन दे दिया और निवि को यहाँ से उठा के किचन में डाल दिया। इवन यहाँ तक कहा था कमौलिका ने निवि को कि तुम पूरे घर में शेफ की टोपी पहन के घूमती रहा करो क्योंकि तुम उसी में अच्छी लगती हो और तुम अब किचन हेड हो और किचन देखोगी। यहाँ कमौलिका रह रहकर धीरे धीरे सबसे बदला ले रही है और यही बात अब निवि को बर्दाश्त नहीं होगी और निवि देगी प्रेरणा का साथ। खैर, आगे क्या होता है, एक और खबर आपको बता दें, ये भी खबर है कि जल्द ही एक और लीप आएगा कसौटी में। इस शो से जुड़े सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।